हे गाइस, मैं हिमांशु चुग और बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ वापस आया हूँ। इस वीडियो को लेकर मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ, क्योंकि आज जो पांच तरीके मैं आपको बताने वाला हूँ, इनमें से एक तरीका भी अगर आपने फॉलो कर लिया तो आप डेली जिम जाने लगेंगे और अच्छे रिजल्ट सामने आने लगेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। अगर मैं आपसे ये पूछूँ कि कितने ऐसे लोग हैं जिन्हें ये पता है कि एक्सरसाइज करने से हेल्थ ठीक रहती है, या मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि एक्सरसाइज करना हम सबके लिए, आप सबके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये सब पता होने के बाद भी कितने ऐसे लोग हैं जो जिम नहीं जाते, उसका सबसे बड़ा कारण जानते हैं आप लोग क्या है? वो आलस। जी हाँ, आलस। हम में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्हें सुबह उठने में आलस आता है, और इसकी सबसे बड़ी वजह है आपका इंटरेस्ट ना होना। चलिए जरा सोचिए, कल सुबह 4 बजे आपसे वो मिलने आ रहे हैं जिनसे आप मिलना चाहते हैं, जो आपके आइडियल हैं, जिन्हें आप फॉलो करते हो, लाइक विराट कोहली या अक्षय कुमार। अगर ये सुबह 4 बजे मिलने आ रहे हैं तो इस सिचुएशन में आपको सारी रात नींद नहीं आएगी, या आप सुबह 4 बजे उनसे मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड रहेंगे। तो इस सिचुएशन को आप क्या कहेंगे? अगर आपने इंटरेस्ट दिखाया तो आप सुबह उठ के गए। तो यही मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आपका इंटरेस्ट है तो रात को 3 बजे भी आपकी नींद खुल सकती है, और हो सकता है आप सारी रात सोएं भी ना। चलिए अब सवाल उठता है कि जिम जाने या एक्सरसाइज करने के लिए इंटरेस्ट कैसे डेवलप करें? हाउ टू मोटिवेट योर सेल्फ फॉर जिम। मैं आपको यहाँ पे 5 ऐसे टिप्स देने वाला हूँ जिससे आपको बहुत आसानी होगी सुबह उठने में, जिम जाने में। पहला मेरा टिप नंबर 1 है जिम पार्टनर। सबसे पहले आपको एक जिम पार्टनर ढूंढना होगा। स्टार्टिंग में आप अपने किसी फ्रेंड को भी जिम पार्टनर बना सकते हैं, या फिर आप अपनी फेवरेट कोई गेम्स ले लीजिए, जैसे आपको क्रिकेट खेलना पसंद है, बैडमिंटन खेलना पसंद है। जब आपको ये पता होगा कि सुबह उठकर मैंने अपनी फेवरेट स्पोर्ट्स को खेलने जाना है, फेवरेट गेम खेलने जाना है, तो आपको सुबह उठने में आसानी होगी। और कोई भी स्पोर्ट्स आपको फिटनेस इंप्रूव करने के लिए काफी अच्छा ऑप्शन होता है। गाइस, मेरा टिप नंबर 2 है मोटिवेशन। मोटिवेशन कैसे लाना है? सुबह के अलार्म रिंगटोन में आप कोई मोटिवेशन सॉन्ग लगा दीजिए, जैसे कि भाग मिल्खा भाग मूवी का सॉन्ग है, अब तू भाग मिल्खा, ओ बस तू भाग मिल्खा, अब तू भाग 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 मिल्खा। ऐसे सॉन्ग सुनते ही मन में जोश सब भर जाता है। मैंने भी ऐसी रिंगटोन लगाई है। आप भी अपना मनपसंद का कोई ऐसा सॉन्ग लगा लीजिए, या फिर आप अपने रूम में, या फिर फोन को तो आप पूरा दिन यूज करते ही हैं, उसमें कोई मोटिवेशन पोस्टर जिन्हें आप अपना आइडल मानते हैं, जिनके जैसा आप बनना चाहते हैं, जिनको आप फॉलो करते हैं। मैं भी अक्षय कुमार जी की रूटीन को बहुत फॉलो करता हूँ। रिसेंटली मैं उनकी एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, आपको उस वीडियो की थोड़ी सी झलक खाना चाहता हूँ। उस वीडियो में उन्होंने खास उन लोगों पे कमेंट किया है जो लोग जिम नहीं जाते, तो सुनिए उन्होंने क्या बोला है। शुरू से ही मेरा मानना है कि अपनी अच्छी सेहत के जिम्मेदार हम लोग खुद हैं। जो इंसान दिन के 24 घंटे, मैं ये बात पहले भी दोहरा चुका हूँ फिर दोहरा, जो इंसान दिन के 24 घंटों में से अपने शरीर को एक घंटा ना दे सके, उसे मर जाना चाहिए। इस 1 घंटे में यार, आप चाहे जो एनी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज आप लोग कर लो, जो आपको पसंद, चाहे जिम चले जाओ 1 घंटे के लिए, रनिंग कर लो, साइकिलिंग कर लो, योगा कर लो, जुम्बा कर लो, क्रॉसफिट कर लो, या समथिंग लाइक एज सिंपल एज वॉकिंग कर लो, कुछ भी करो यार, लेकिन करो। अगर कुछ नहीं करोगे तो मरोगे। गाइस, तो सुना होगा आपने अक्षय कुमार जी ने क्या कहा। आगे बढ़ते हैं, मेरा टिप नंबर 3 है योर कंपनी मैटर्स। अक्सर आपने सुना होगा कि लोग बोलते हैं संगत से रंगत आती है, जैसी संगत में रहोगे आप भी वैसा बन जाओगे। मैं इस बात से 100% एग्री करता हूँ, क्योंकि 4 आलसी दोस्तों में रहकर आप भी अपने आलस को छोड़ नहीं पाओगे। इसलिए हमेशा मोटिवेटेड लोगों के साथ रहें, फिटनेस फ्रीक लोगों के साथ रहें। जो लोग रूटीन में जिम जाते हैं उन लोगों का ग्रुप बनाइए, उन लोगों को अपनी संगत में शामिल कीजिए, ताकि आप भी हमेशा मोटिवेटेड रहें और जिम जाने के लिए तैयार रहें। मेरा टिप नंबर 4 है खुद को इनाम दें, सेलिब्रेट करें। याद रखें, सब कुछ एक दिन में नहीं मिलेगा, कोई भी इंप्रूवमेंट आएगी तो वो धीरे धीरे ही आएगी। आप अपने गोल्स को छोटे छोटे एक्शन आइटम्स में बांट दो, जैसे जैसे आप उन शॉर्ट गोल्स को अचीव करते जाएं, सेलिब्रेट करते जाएं, क्योंकि लाइफ इज ए सेलिब्रेशन। छोटी सी लाइफ है, क्यों बीमारियों में इसको
को बर्बाद किए जा रहे हो। जैसे कि आपने अपना छोटा गोल्स रखा, 5 किलो कम किया तो फेवरेट गेम खरीदूंगा, 10 किलो कम किया तो अपनी फेवरेट जगह पे जाऊंगा। इसी तरह बढ़ते बढ़ते 15 किलो, 20 किलो, 25 किलो और एक दिन आप उस जगह पहुंच जाएंगे जहां आप पहुंचना चाहते थे। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप भी रेगुलर जिम जाने लगेंगे। आगे बढ़ते हैं, मेरा टिप नंबर 5 है बैट। अपने किसी फ्रेंड से बैट लगा लीजिए कि भाई 3 मंथ्स में या 6 मंथ में मैंने वेट लॉस ना किया या 6 पैक्स एब्स ना बनाए तो मैं तुझे 20,000 दूंगा। भले बाद में मत देना, लेकिन अगर दोगे तो आप उस टारगेट पे जल्दी पहुंच पाओगे, अचीव कर पाओगे। मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं, अक्सर मुझे फ़ोन करते रहते हैं कि सर मैं जिम आना तो चाहता हूं लेकिन बहुत आलस आता है, सुबह उठा नहीं जाता। मैं उनको एक ही बात बोलता हूं कि भैया एक काम कीजिए, 3 मंथ्स का पैकेज की फ़ीस मेरे अकाउंट में डिपॉजिट करा दीजिए, अब आप जिम आओगे, ज़रूर आओगे। अगर आपको पैसों की फिक्र है तो, उसकी कदर है तो आप डेली जिम आओगे। एक और सबसे बड़ी परेशानी सामने आती है जिम जाने के बाद, वो है पेंस। पेंस की वजह से अक्सर लोग डर जाते हैं, जिम जाना छोड़ देते हैं। यहाँ मैं आपको बताऊँ, पेंस 2 तरह के होते हैं, एक होता है गुड पेन, एक होता है बैड पेन। ड्यूरिंग वर्कआउट जब आपके मसल स्ट्रेच करते हैं, जब आप वेट उठाते हैं या वर्कआउट के बाद कई दिन तक आपको जो पेंस होते हैं ये जस्ट टेम्परेली पेन होते हैं और ये गुड पेन होते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी को हैबिट नहीं थी एक्सरसाइज करने की। जब आपने एक्सरसाइज शुरू की तो क्रैम्प्स पड़ गए, स्ट्रेच हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये गुड पेन होते हैं। सो नेवर एवर गिव अप, ग्रेट थिंग्स टेक टाइम। नेक्स्ट है बैड पेन। बैड पेन वो होता है जैसे कि मसल पुल हो जाए, नस खिंच जाए, बोन फ्रैक्चर हो जाए, आपके ट्रेनर ने आप पे ध्यान ना दिया हो या आपसे ज़्यादा वेट उठवा दिया हो। आपकी बॉडी जितना अलाउ करे आप उतना ही वर्कआउट किया करें और प्रॉपर गाइडेंस में ही वर्कआउट किया करें, सर्टिफाइड कोच के अंडर में ही आप ट्रेनिंग लिया करें। तो गाइज ये थे मेरे 5 टिप्स जिनसे आपको सुबह उठने में बहुत आसानी होगी। कल से आप जिम तो जा ही रहे हो, और अगर आपको ये नहीं पता कि जिम जाने या एक्सरसाइज करने से पहले क्या खा के जाना है, वहाँ से आने के बाद क्या खाना है, उसके लिए आप मेरी प्री एंड पोस्ट वर्कआउट वाली वीडियो देख सकते हैं। इससे आप बहुत जल्दी अपनी फिटनेस को इम्प्रूव कर पाओगे, क्योंकि वो डाइट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक तो बनता है ना यार, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो और अपने उन दोस्तों से जरूर शेयर करना जो बहुत आलसी है और तुम्हें भी जिम जाने से रोकते हैं, जिनकी वजह से आपको भी आलस आता है, ताकि वो भी मोटिवेट हो और उनको भी सुबह उठने में आसानी हो। तो गाइस मिलता हूं अगली वीडियो में। HFC मेरी जिद, इंडिया फिट। जय हिंद, जय भारत।